एंड क्यूब इतना लाइट है कि लिटरली आपको फील तक नहीं होगा जैसे आपके हाथ में कुछ है। इतना ज्यादा स्मूथ होने के बावजूद क्यूब की स्टेबिलिटी काफी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ है बल्कि ज्यादा मूव्स एग्जीक्यूट हो जाता है, ऐसा नहीं है। एक बात तो पक्की हो गई है, मेरे पास 3x3 है, मिलोंग का 2x2 है, एंड इतना इंप्रेस हो गया हूं मैं इन क्यूब से, अब मैं इनकी पूरी कलेक्शन कर रहा हूँ। एंड अब इसमें 4x4 भी आएगा, 5x5 भी आएगा, एंड जितने मिलोंग के पॉसिबल क्यूब्स है फ्यूचर में आते रहेंगे। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों जब से मेरा की का 2x2 टूट गया तब से मैं सोच ही रहा था कि एक मुझे नया 2x2 परचेस कर लेना चाहिए। एंड कुछ दिन पहले जब मैंने एक बुक स्टोर पर गया तो उधर मुझे ये मिला था मिलोंग का 2x2, तो फिर मैंने इमीडिएटली कुछ सॉल्व इस पर वहाँ कर लिए एंड मुझे पसंद आ गया क्यूब, मैंने खरीद लिया। ऑफलाइन मैंने खरीदा फर्स्ट टाइम कोई क्यूब को, 5x5 के बाद जो फर्स्ट क्यूब है ऑफलाइन मैंने यही परचेस किया। बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस आप देख सकते हैं 215 रुपये, एग्जैक्ट 215 रुपीज़ में मुझे मिला है। एंड ऑनलाइन अगर आप अमेजोन पे देखेंगे तो अराउंड इसके ही आपको मिल जाएगा, थोड़ा 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। बात करते हैं पैकिंग की, तो आप पैकिंग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पैकिंग, अट्रैक्टिव पैकिंग है। यहाँ ये ब्लू कलर का अटैक काफ़ी अच्छा लग रहा है, मोयू का लिखा हुआ, एंड पैकिंग काफ़ी अच्छी है। एंड आप देख सकते हैं इधर इसमें ये भी है ब्लैक स्टिकरलेस एंड कार्बन फाइबर, एंड यहाँ मिलोंग का लिखा हुआ है 2x2। ये थोड़े स्पेसिफिकेशन से अब बात करते हैं क्यूब की। एक चीज़ मुझे जो अच्छी नहीं लगी इसके अंदर, कोई मुझे सॉल्विंग मैनुअल नहीं मिला जैसा कि 3x3 में मिला था जब मैंने ऑनलाइन परचेस किया। तो बात करें क्यूब की, तो क्यूब काफ़ी अच्छा है दिखने में, अट्रैक्टिव कलर्स है, एंड लाइट बहुत लाइट है क्यूब, आपको फील तक नहीं होगा जैसे आपके हाथ में कुछ है, बहुत हल्का है क्यूब पकड़ने में। एंड अब अगर बात करें कॉर्नर कटिंग की, तो कॉर्नर कटिंग वैसे उतना मैटर नहीं करता है 2x2 में, उतना मैटर करता है बट उतना मैटर नहीं करता, लेकिन कॉर्नर कटिंग काफ़ी डिसेंट इसकी, काफ़ी अच्छा कॉर्नर कट कर लेता है। एंड अगर बात करें स्मूथनेस की, तो क्यूब बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एंड स्मूथ होने के साथ साथ स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि स्मूथ होने के बावजूद ज़्यादा मूव्स एग्जीक्यूट आपसे करवाएगा, ऐसा नहीं है, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है क्यूब की। एंड एक हफ्ता हो गया है ऑलमोस्ट मुझे इस क्यूब को परचेस किया, एंड इस पर बहुत से सॉल्व मैंने कर लिए, अभी तक तो मुझे इसके ऊपर कोई भी इश्यू नहीं आया है। हाँ, जो मेरे पास पहले की वाला क्यूब था उससे भी ज़्यादा स्मूथ है, टू बी वेरी फ्रैंक, उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। चलिए कुछ हम सॉल्व्स हम लैपटॉप पे करके देखते हैं। तो गाइस सॉल्व एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, क्यूब बहुत स्मूथ है, बहुत स्टेबिलिटी अच्छी है क्यूब की, लाइट वेट है, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मिलोंग की क्यूब्स की है, मिलोंग के क्यूब्स आप बिलीव करिए मेरी बात, बहुत एडिक्टिव है, आपको पता नहीं चलेगा आप कितने सॉल्व्स पे सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत एडिक्टिव है मिलोंग के क्यूब्स, क्योंकि क्वालिटी स्मूथनेस काफ़ी अच्छी होती है। कोई स्पॉन्सर नहीं किया मिलोंग वालों ने, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। एंड और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, संडे के दिन इस क्यूब का भी रिव्यू आने वाला है, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। ये की का पॉप शुगर है, वॉरियर है बेसिकली इस क्यूब का नाम, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, संडे इसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो आने वाला है। एंड अगर आप इस क्यूब को खरीदना चाहते हैं मिलोंग के 2x2 को, तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऑफलाइन इतना इजीली नहीं मिलेगा, तो आपके कन्वीनियंस के लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला, अगर आप चाहें तो वहां से परचेस कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।